हेलो एवरीबॉडी, आज बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। क्योंकि आज के टाइम में अगर हर किसी को एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है स्ट्रेस। यानी कि अगर एक 5 साल की बच्चे से लेकर 65 या 70 इयर्स ओल्ड मैन को अगर पूछेंगे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, वो एक ही वर्ड जरूर आपको बोलेगा कि वो स्ट्रेस है। तो यानी कि हर कोई किसी ना किसी वे में स्ट्रेस रहे। हमारे लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुका है, हमारा डे टू डे एक्टिविटीज स्ट्रेसफुल हो चुका है, और हम मेंटली पीस इसीलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम स्ट्रेस रहे। तो ये स्ट्रेस को डिटेल्स में जानते हैं और ये स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सही तरीके से हम लोग इसको रूट से हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स ये लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये सेशन लाइव है, अगर आप भी स्ट्रेस रहे, आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर में कोई भी स्ट्रेस रहे, तो आप ये लाइव सेशन के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेरीज आपकी जो भी है, वो सारे क्वेरीज आप यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज या स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो तरीका है वो समझाने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रह सकता है। तो आप ये लाइव सेशन को ध्यान से अटेंड कीजिए, और हो सकता है तो आप इसको आपकी जो सोशल मीडिया हैंडलिंग से उसमें शेयर करते रहिए, ताकि जो लोग स्ट्रेस है और उनको कोई ना कोई वे चाहिए स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, तो वो उनको मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए पहले स्ट्रेस को समझते हैं। स्ट्रेस क्या है? ये स्ट्रेस है हमारा आइदर फिजिकल नहीं तो इमोशनल चैलेंजेस या चेंजेस ड्यू टू एवरीडे लाइफ डिमांड्स। जब डिमांड्स बढ़ जाता है या हम हमारा कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है, तो हम लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है, हमारा आउटपुट एंड इनपुट का बीच का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी से स्ट्रेस पैदा होता है। और ये स्ट्रेस आज एक सामान्य सा फैक्टर नहीं रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेस लगभग इंडिया में 81% पॉपुलेशन को खा चुकी है। आप सोच भी नहीं सकते, 81% पॉपुलेशन आर अफेक्टेड विथ स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि स्ट्रेस एक मामूली सा चीज है, स्ट्रेस कॉमन है, हम स्ट्रेस रहे लेकिन ये कॉमन है। नहीं, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, स्ट्रेस कभी भी ना कॉमन था, ना कॉमन है, ना कॉमन रहेगा। अगर एज सिनेरियो की बात करें, तो 35 से 49 जो एज है, उसमें लगभग 89% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री आर अफेक्टेड विथ स्ट्रेस। अब सोचिए, लगभग 90% पॉपुलेशन आर अफेक्टेड विथ स्ट्रेस। और उसमें से अगर जो लोग ये मानते हैं कि स्ट्रेस रहना या स्ट्रेस आना एक मामूली सी बात है या कॉमन चीज है, तो उन लोग के लिए कुछ डाटा यहाँ पे मैं जरूर देना चाहूंगा। जो लोग स्ट्रेस है, जो लोग स्ट्रेस है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है, 90% जो स्ट्रेसफुल पॉपुलेशन है, उसमें से 51% का ये कहना कि वो लोग मैक्सिमम टाइम डिप्रेस्ड फीलिंग्स में रहते हैं। उनमें से 31% की ये मानना है कि उनमें से 31% का एंजाइटी डिजर्डर या पैनिकनेस आता है। उसमें से 13% का ये मानना है उन लोग सिवियर मूड स्विंगिंग या इमोशनल इनबैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सोचिए, स्ट्रेस इज नॉट ए कॉमन थिंग्स, स्ट्रेस इज ए नॉट ए जनरल साइन ऑनली। अगर डिजीज की बात करें, स्ट्रेस से लगभग मोर देन 60% डिजीज हो रहा है आज सोसाइटी में। और ये मेरा कहना नहीं है, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की कहना है। लगभग मोर देन 60% जो भी डिजर्डर्स है, जो भी डिजीजेस है, वो शुरू हो रहा है, उसका रूट कज स्ट्रेस ही है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से वो सारे चेंजेस बॉडी में आ रही है, जो कि हम लोग को आने वाले टाइम में डिजीज के रूप में आ रहा है। स्ट्रेस को लेकर कौन सी डिजीज से हम लोग अफेक्टेड हो सकते हैं? पहले तो आप ब्लड प्रेशर को ले लीजिए, हार्ट प्रॉब्लम को ले लीजिए, जितना भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है,
वो सारे स्ट्रेस की वजह से, आस्थमा है स्ट्रेस की वजह से, जितना साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर्स है आज, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सारे कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ही होता है। और अगर स्ट्रेस से बहुत बड़ी बीमारी का नाम ले सकते हैं तो वो है PTSD, पोस्ट ट्रामास्टिक स्ट्रेस डिजॉर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिजॉर्डर। ये दोनों साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है जो कि स्ट्रेस से रिलेट करते हैं। लेकिन जो साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर अभी बढ़ रहा है इंडिया में, जैसे कि मैं CVD की बात किया, कार्डियो वास्कुलर डिजीजेस की बात किया, वो सारे स्ट्रेस से ही होता है। बाकी अस्थमा, लंग्स प्रॉब्लम, आपकी ब्लड प्रेशर, ये सारे तो कॉमन हो चुका है इंडिया में। अगर आपको कोई सिम्टम्स दिख रहा है, जैसे कि हेडाच है, आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, आप कॉन्स्टेंट ओरिड है कोई ना कोई चीज के ऊपर, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको इरिटेशन आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो सारे चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेस को ही रिलेट करता है। आप स्ट्रेस रहे, चाहे आपको पता चल रहा है या नहीं, लेकिन आप कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर से इफेक्टेड जरूर है, इसीलिए आपको कोई ना कोई सिम्टम आ रहा है। तो ये टाइम, जो टाइम में आपको पता चल गया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो आप इमीडिएटली विदाउट एनी डिले आप कंसल्ट करने को ट्राई कीजिए, नहीं तो फाइंड आउट कीजिए कि स्ट्रेस फैक्टर कहीं ना कहीं, आप कौन से स्ट्रेस फैक्टर से अफेक्टेड है, ये आपकी जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजॉर्डर्स है। और क्यों स्ट्रेस हैंडलिंग हम लोग के लिए इतना जरूरी हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अफेक्टेड हो चुके हैं। ये स्ट्रेस कोई मामूली सा बात नहीं रहा है सोसाइटी में। आज जो क्रॉनिक डिजीजेस की रेट इंडिया में बढ़ रहा है, हर घर में हर कोई कोई ना कोई डिजीजेस से अफेक्टेड है। इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस एक वाइटल एंड प्राइम रीजन भी है। तो इसको हैंडल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो परसेंटेज और स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया यहाँ पे, वो स्टैटिस्टिक्स आज इंडिया में शो हो रहा है। घर घर में हर किसी को कोई ना कोई साइकोसोमाटिक बीमारी पकड़ चुका है। तो आपको ये टाइम आ चुका है कि आप स्ट्रेस कोपिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही तरीके से अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, डे टू डे एक्टिविटीज में एडॉप्ट कीजिए, ताकि आप भी बहुत जल्द एक स्वस्थ एंड हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं या आगे उसी तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आपकी जो फैक्टर्स है स्ट्रेस जो आ रहा है, स्ट्रेस फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो कौन से फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस के लिए साइकोलॉजिकली अगर एनालिसिस करें तो चार फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर, सेकेंड है बायोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड है सोसाइटल फैक्टर, फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर की बात करें तो आपके प्रोफेशन हो सकता है, आपकी जॉब सिनेरियोज हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप हो सकता है, ये सारे चीज से अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स है या सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी जीरो है तो स्ट्रेस फैक्टर वहां से शुरू हो सकता है। अगर बायोलॉजिकल बात करें, आपको कोई क्रॉनिक डिजीजेस या लॉन्ग टर्म इलनेस रह चुका है जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, वो भी बहुत बड़ी रीजन है स्ट्रेस को एनहांस करने के लिए। एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारा है, जो चीज जो जहां पे आप रह रहे हैं वो एनवायरमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है, वहां पे कुछ आपको अनइजी लग रहा है, आपका माइंडसेट वहां पे सेट नहीं हो पा रहा है, जो लोगों के साथ आप मिल रहे हैं वो लोग आपको सुइटेबल पॉजिटिव वाइब नहीं दे पा रहे हैं, वो भी हो सकता है। सोसाइटल फैक्टर में क्या देख सकते हैं हम, सोसाइटल फैक्टर में जो हम लोग हर वक्त कंपेरिजन करते हैं, पावर स्टेटस को लेकर हम जो ग्रीडी हो चुके हैं, ग्रीडी माइंडसेट तैयार हो चुका है सोसाइटी में, वो सारे चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर क्रिएट करता है। यानी कि आपको ये सारे चीज के ऊपर ध्यान देना है। जो चार फैक्टर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर आपकी लाइफ में आ रही है, या आपको कॉन्स्टेंटली जो साइन या सिम्टम्स की बात हम लोग किए कि आपको कॉन्स्टेंट उरी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आ रहा है, तो आपको टाइम आ चुका है या टाइम आ गया है स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए या स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। अगर जनरली बात किया जाए तो स्ट्रेस
इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में जो होप, जो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मीट नहीं कर पाते। आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो आपका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता है, या आपकी जो काम है, आपकी जो डिमांड्स है आपके ऊपर, वो ज्यादा हो रहा है। आपका कहीं पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको कहीं पे फैमिली प्रॉब्लम है, आपको कहीं पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको कहीं पे नेगेटिविटी दिखाई रहे हैं। ये सारे चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेस को ही इंडिकेट कर रहा है, या स्ट्रेस फैक्टर को ही एनहांस कर रहा है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, चार फैक्टर ऐसा है जो कि सबसे प्राइम फैक्टर माना जाए स्ट्रेस को बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रेस फैक्टर को एनहांस करने के लिए। वो है आपकी जॉब या वर्क, मनी, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। ये चार ऐसा चीज है, ये चार ऐसा फैक्टर से जिसको हम एवॉइड नहीं कर सकते, इसके साथ हमको चलना ही पड़ता है, क्योंकि ये सारे बहुत ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेस फैक्टर। अगर स्ट्रेस फैक्टर हमको पता है कि कौन से फैक्टर हमारे स्ट्रेस को एनहांस कर रहा है, या हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा रहा है, तो हम लोग इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे किया जाए, स्ट्रेस को कैसे हम लोग डील किया जाए। इसका दो तरीका है। आप लोग को इंटरनेट में बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस कोपिंग का बहुत सारा स्किल्स मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली कुछ चीजें समझाने को कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेस को कुप अप करने के लिए, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, या स्ट्रेस को सही तरीके से रिमूव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, सेकेंड वन स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटेजीज। ध्यान से सुनिए, मैनेजमेंट वर्सेस कोपिंग, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों टू डिफरेंट थिंग्स है, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। स्ट्रेस मैनेजमेंट है टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए, स्ट्रेस कोपिंग है परमानेंटली आपको रिजल्ट या इफेक्टिव या इम्पैक्ट डालने के लिए। जाने की दो तरीके आपके पास है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपना सकते हैं या स्ट्रेस कोपिंग को अपना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट वहीं पे इम्पैक्ट डालेगा या इफेक्टिव होगा जहां पे आपको टेम्पोररीली सॉल्यूशन चाहिए। यानी कि अगर स्ट्रेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाए, वन है एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस मींस डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे पास आ जाता है, इंस्टेंट हम लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाता है, वरीज बढ़ जाता है, वो सारे चीज के लिए हम लोग उसको एक्यूट स्ट्रेस कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक है, जैसे कि फैमिलीज इश्यू है, जॉब प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सारे क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म से चल रहा है या आने वाले काफी समय तक चल सकता है, वो सारे जो फैक्टर्स है, वो जो स्ट्रेस को क्रिएट करता है, उसको हम लोग मानते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। तो एक्यूट स्ट्रेस के लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपना सकते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक काम नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको डेफिनेटली स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटेजीज अपनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जरूर इंडिकेट करूँगा कुछ पॉइंट्स, लेकिन स्ट्रेस कोपिंग जो स्ट्रेटेजीज है वो बहुत ही साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल है। वो एक बहुत बड़ा सेमिनार्स मेरा रहता है स्ट्रेस कोपिंग का, आप कभी भी उसको अटेंड कर सकते हैं, अगर सही मायने में स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 1000 टेक्निक्स है, उसको आप कभी भी कहीं पे भी अपना सकते हैं, रूटीन लाइफ टाइम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप जो टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, वो सारे जो डे टू डे लाइफ में जो एक्यूट स्ट्रेस फैक्टर आता है, एक्यूट स्ट्रेस कैटेगरीज में उसको जरूर इफेक्टिव हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसके लिए आपको स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटेजीज सीखना पड़ेगा, एडाप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे कोपिंग स्ट्रेटेजीज है, कुछ है मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूंगा। एक है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज, एक है इमोशन बेस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजीज, एक है सॉल्यूशन फोकस्ड या प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजीज, एक है एडाप्शन ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटेजीज। ये सारे चीज कैसे करना है, उसका प्रोसीडियर क्या है, डे टू डे लाइफ में कैसे अपना सकते हैं, इसका पूरा सेमिनार हमारा रहता है, आप कभी भी उसको
एनरोल करके स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं। बाकी अगर जनरली देखा जाए डे टू डे लाइफ में अगर आप स्ट्रेस रहे तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ जो कि आप अपना सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल सकता है और दोनों तरफ भी काम हो सकता है। आप चाहे एक्यूट या क्रॉनिक स्ट्रेस में अफेक्टेड है तो ये जो 5 जनरल सिनेरियो या जनरल स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिव रिजल्ट जरूर डाल देगा। पहला है, आप एक सेल्फ डिसिप्लिन एंड रूटीन लाइफस्टाइल पहले बनाइए। उसमें आपको वही रूटीन को फॉलो करना है। सुबह 5 या 5:30 बजे से उठ के रात 10 बजे तक आपको क्या करना है, इसका टोटल जो रूटीन रहना चाहिए आपके पास। सेकेंड जो वाइटल पार्ट है, आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर जब बढ़ता है, चाहे वो आउटर फैक्टर हो या इनर फैक्टर हो, लेकिन हमारे जो खाने पीने का स्टाइल है, हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है, वो भी बहुत ही मात्रा में इफेक्टिव होता है स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए। थर्ड थिंग, आपकी डेली रूटीन में, आपकी डेली लाइफ में ये 3 चीज रहना ही रहना है, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। ये 3 चीज को आपको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा आज के टाइम में, क्योंकि इसका अल्टरनेट नहीं है। फोर्थ थिंग आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ थिंग में आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। दुनिया में आज के टाइम में सबसे अगर बेहतर साइंटिफिक तरीका है स्ट्रेस के लिए वो है माइंडफुलनेस। इसका भी टोटल सेमिनार मैं करवाता हूं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक के लिए, वो बहुत ही इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल है आपके लिए स्ट्रेस के लिए। फिफ्थ क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी आप ये सारे चीज नहीं कर रहे तो आपको जरूरत है, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर अगर आपको पकड़ में आ गया है या आपको पता नहीं चल रहा है कि स्ट्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है या आपकी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर कौन सी है, वो अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आप आपकी बेस्ट फ्रेंड से बात कीजिए। अगर कोई रिलेटिव्स में, आपकी क्लोज में, आपकी कन्वीनियंट में आपको लग रहा है कि रिलायबल पर्सन है, उससे बात कीजिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो इमीडिएटली आप कोई भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए विदाउट एनी डिले। अगर ये 3 भी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने से बात कीजिए। कैसे करना है, आप एक डायरी, जो सेल्फ जर्नल जिसको बोला जाता है, उसको लिखते रहिए। जो भी आपको हो रहा है दिन में, जितना बार भी आप स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं, जो भी टाइम में, जो भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि हाँ मैं स्ट्रेस्ड हूं, तो आप उस समय क्या फील कर रहे हैं, कौन सी थॉट चल रहा है, उसको डिटेल्स में एक डायरी में लिखते रहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप एक अच्छी सी किताब, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स, उसको पढ़ते रहिए। जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको पढ़ते रहिए। ये सारे चीज आप अपना सकते हैं। अगर आप ये सारे चीज भी नहीं कर पाते तो आपके पास और क्या ऑप्शन बचा हुआ है? ऑप्शन आपके पास बहुत सारा है, उसको सही तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि आपकी विलिंगनेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस आप हैं, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, आपके लिए और कोई आके ये सारे सिचुएशन नहीं करवा देगा, क्योंकि आपको ही करना है। नेक्स्ट थिंग है, आप ये स्ट्रैटेजीज कैसे अपनाएं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए सही है? तो आप जब भी स्ट्रेस्ड है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप जा रहे हैं तो बैठिए शांत जगह पे, डायरी निकालिए, डायरी में लिखते रहिए क्या लिखना है, कौन से फैक्टर, पहले फैक्टर फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी है। स्ट्रेस फैक्टर का पहले एनालिसिस कीजिए, कौन से फैक्टर हो सकता है, पहले फाइंड आउट हो गया स्ट्रेस फैक्टर, उसके बाद अवेलेबल स्ट्रेटेजी क्या है आपके पास, आप कौन से स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं, उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसी के साथ आगे बढ़िए, तभी देखेंगे आपको अच्छे से
बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा और विद इन फ्यू डेज आपकी जितना भी स्ट्रेस है वो गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे पास क्या है आपके लिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। उसमें से कुछ ऑप्शंस यहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं। पहला है मेरा स्ट्रेस रिलैक्सिंग माइंड थेरेपी, आप उसको ले सकते हैं घर बैठकर। ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलैक्सेशन होना है या स्ट्रेस रिमूव करना है तो उसको आज अगर ऑर्डर करेंगे तो ये स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है कोर्सेस, माइंडफुलनेस का कोर्सेस आप ले सकते हैं। माइंडफुलनेस का अगर कोर्स आप ट्रेनिंग ट्रेंड होंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अगर आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। थर्ड है स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटेजी को सीखने का। अगर आप स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटेजी को, सारे जो जितना भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो उसको सीख जाएंगे तो भी आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। फोर्थ, अगर ये सारे चीज भी नहीं कर रहे तो फोर्थ में क्या कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन एंड योगा क्लासेस रहता है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। जाने के आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है। हर बार ये कंप्लेन आता है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लो, आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको बस स्टेप लेना है, स्टार्ट करना है स्ट्रेस रिलैक्सिंग या स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, एक कदम बढ़ाना है। आप सोचिए, क्योंकि स्ट्रेस आप है, स्ट्रेस फ्री आपको होना है, तो आप सोचिए आपको कौन से स्टेप सही रहेगा या आप इमीडिएटली कौन से स्टेप शुरू कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल पे स्क्रॉल हो रहा है, आप नंबर पे कभी भी कॉन्टेक्ट करके एक सेशन बुक कर सकते हैं, एक काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोनों मिलके स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस फैक्टर है उसको एनालाइज करेंगे, उसके सही तरीके से समझेंगे, उसके बाद कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सही रहेगा उसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे, कैसे एडॉप्ट करना है उसका प्रोसेस भी डिटेल्स में जानेंगे। बिकॉज यू ऑनली एलोन मे नॉट, बट वी बोथ सर्टनली यस वी कैन डू इट, यू मे नॉट। अगर हम साथ में चलेंगे तो हम लोग जरूर इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आप अकेले चलेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। देन एवरीथिंग इज इन योर हैंड, चॉइस इज योर्स, टेक द फर्स्ट स्टेप टू लिव ए स्ट्रेस फ्री हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।